बीजेपी से मुकाबला करने के लिए केसीआर की जेरे खियादत बीआरएस नरम हिंदुत्वा के रास्ते पर गामजन दिखाई दे रही है। मुसलमानों को खुश करने के लिए सेकुलरिज्म का नारा लगाया जाता है, लेकिन अक्सरियती तबके की तायद हासिल करने के लिए बीआरएस ने हैदराबाद को भाग्य नगर करार दे दिया है। बीआरएस पार्टी के ऑफिशियल अकाउंट के जरिए सोशल मीडिया पर डॉक्टर बीआर अम्बेडकर के तवील खामत मुजस्मे के नकाब कुशाई की तशहीर की गई। पार्टी ने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा कि भाग्य नगर के मशहूर ताज में तीन नए हीरो का इजाफा हो रहा है। 125 फीट बुलंद डॉक्टर बीआर अंबेडकर का मुजस्मा, डॉक्टर बीआर अंबेडकर तेलंगाना स्टेट सेक्रेटरिएट और तेलंगाना यादगार शहीदा उनमें शामिल है। सोशल मीडिया पर बीआरएस की जानिब से हैदराबाद को भाग्य नगर लिखे जाने पर आवाम ने हैरत का इजहार किया है। मुसलमानों को खुश करने के लिए निजाम हैदराबाद की तारीख और बीजेपी के फिरका परस्त सियासत के खिलाफ केसीआर की बयानबाजी के पस मंजर में पार्टी की जानिब से हैदराबाद को भाग्य नगर करार देना बायस हैरत है। तेलंगाना में बीजेपी ने जब से अपने कदम जमाने की कोशिश की है, केसीआर ने नरम हिंदुत्व पॉलिसी अख्तियार कर ली। मंदिरों की तरक्की के लिए हजारों करोड़ मंजूर किए गए और अरकान असेंबली को पाबंद किया गया कि वो मंदिरों की तरक्की के बारे में केसीआर हुकूमत के इकदाम से अवाम को वाकिफ करवाए। सेक्रेटरियट के अहाते में शहीद की गई मस्जिद की तामीर पर हुकूमत की कोई तवज्जो नहीं। 30 अप्रैल को नए सेक्रेटरियट का इफ्तिताह अमल में आएगा और केसीआर ने इफ्तिताह तक मस्जिद की तामीर मुकम्मल करने का वादा किया था, लेकिन आज तक तामीरी काम 50% भी मुकम्मल नहीं हो सके। इस बारे में हुकूमत में शामिल मुस्लिम कायदीन भी खामोश अख्तियार कर रखे हैं। बताया जाता है कि मसाजिद की तकमील के लिए मजीद 2 माह दरकार होंगे। वाज रहे कि बीआरएस हुकूमत ने गुज़िश्ता 9 वर्षों में मंदिरों की तरक्की के लिए जारी करदा फंड्स और पुजारियों की भलाई के लिए इकदाम की तफसीलात अरकान असेंबली को फराहम की है ताकि अवाम में पेश किया जाए। हुकूमत ने मंदिरों की तरक्की और पुजारियों की भलाई पर 2500 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। ये रकम अखिलती बहबूद के लिए मालियाती साल 2023-24 में अलर्ट करदा बजट 2200 करोड़ से भी ज्यादा है।